सिरसा जी का एक और सच आया सामने। वैसे तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी पर पहले भी कई आरोप लगाए गए हैं, कभी उनका पंजाबी टेस्ट में फेल होना तो कभी अपनी ही सीट से हार जाने के कारण वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आज हम लेकर आए हैं उनका एक और सच। 5,000 का चेक आया है मेरे पास। किसने दिया आपको चेक? ये गुरुद्वारे के तरफ से रकाब। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो चेक मेरे आदमी के नाम से आया था, क्योंकि मेरे आदमी ना लॉकडाउन में काम भी नहीं था। आप कहाँ से बोल रहे हो? 16,000 कॉलोनी से। अच्छा, तो किसने दिया चेक आपको? मेंबर। अच्छा, कब दिया उसने? मतलब आज दिया था। अच्छा हाँ, तो ये ना चेक दिया था, तो मैंने बताया कि बेबी कोर और चेक आ गया बाबू सिंह का, आप आके ले जाओ। अच्छा, तो अभी मैं और मेरी बेटी आ गई थी, लेके आए हम कारकाबगंज। तो ये नहीं, यहाँ पे हमारे कॉलोनी में ही। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से चेक ले आए। अच्छा, वो कह रहा था 4,000 1,000 बैंक में डाल के 1,000 आप रख लेना और 4,000 वापिस दे देना। किसको वापिस दे देना? कहता है हमारे को ही वापिस दे देना। नहीं, किसको? जो वीर के उसको? हाँ जी, उसका वो जो वो ना अमन। अच्छा, उसका कौन फैक्ट्री। अच्छा, उसको दे देना। तो मैं ये कह रही थी, अगर 5,000 का जो चेक आया तो वो तो मेरे आदमी के नाम का आया, तो वो तो हमारा हो गया ना। हाँ, आपका ही हो गया वापिस। तो अगर आपको उसने 5,000 की मदद करी तो आपका ही हो गया वो। हाँ, तो ये जो जैसे लॉकडाउन में काम धंधा नहीं थे, फिर बेटी है मेरी, हम अब मेरी लड़की की शादी होगी तो उसको ना डिवोर्स हो गया, छोटी लड़की का इनको पता था, बहुत परेशान थे हम, आदमी का काम धंधा भी नहीं है। अच्छा, तो वो कह रहा मैंने ये बातें बताई थी उनको, तो उन्होंने बोला था मैं तेरे को ना चेक करके चेक दूंगा। कितने का? ये नहीं बताया था कितने का दूंगा? 5,000 का। तो आपको विर्क ने चेक दिया आज बुला के? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो विर्क ने ही फोन किया था, कह रहा बेटा आके ले जा चेक। मेरी बेटी को बोला प्लीज आके ले जा, तो 4,000 अमन पाजी को वापिस दे रहे, चेक डाल के पैसे निकाल के 4,000 उसको दे रहे, 1,000 से आप रख। नहीं, 4,000 रूपए वापस देने को आपको विर्क ने बात बोली थी? जी हाँ, जिस मनजिंदर सिंह सिरसा को हारने के बाद भी प्रधानी सौंपने की बात चल रही है, आज उनके काले कार्यकाल की एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। देखिए कि किस तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों से पहले आचार संहिता के दौरान भी कमेटी द्वारा चेक बांटे जा रहे थे। आखिर ये चेक क्यों बांटे गए? कहीं ये वोटों की खरीद तो नहीं? और क्या वोट खरीद कर भी हार गए सिरसा जी? देखिए संगत जी, ये इंसान सेवा के लिए नहीं सिर्फ सियासत के लिए आगे आता है, और पंथ के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं। संगत ने उन्हें हरा कर अपना जवाब दे दिया, फिर क्या संगत के फैसले को अपमानित कर ऐसे इंसान को प्रधान बनाना ठीक है?